हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग कैसे अपने मॉनिटर से OSD लॉक, ये जो लॉक लगा हुआ है, इसको आप लोग अपने मॉनिटर से कैसे ऑफ कर सकते हैं। और इस वीडियो में आप लोग को ये भी बताऊंगा कि अगर आप लोग को मॉनिटर में OSD लॉक लगाना है, इसको ऑन करना है, तो वो कैसे करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि OSD लॉक होता क्या है। दोस्तों, OSD लॉक एक मॉनिटर में फीचर है जिसकी मदद से आप लोग अपने मॉनिटर के इन जो बटन्स है, इसको ऑफ कर सकते हैं। ये बिल्कुल हमारे टीवी में जैसे चाइल्ड लॉक होता था, OSD लॉक भी वैसा ही है। OSD लॉक अगर आपके मॉनिटर में लग गया है, तो ये पावर बटन को छोड़कर जितने भी बटन है, मेनू बटन, लेफ्ट एरो, राइट एरो, ये सब कोई वर्क नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं कि इसको आप लोग कैसे ऑफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मॉनिटर को ऑन होने के बाद आपको यहाँ से पावर बटन से इसको ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ जो मेनू बटन दिख रहा है, इसको और ये जो पावर बटन है, दोनों को एक साथ प्रेस करना है। देखिए इसे, उसके बाद आप छोड़ दीजिए। अब देखिए, ये मेरा OSD लॉक ऑफ हो गया है। कोई भी बटन मेरा आराम से काम कर रहा है। और सेम अगर आपको OSD लॉक लगाना है, तो आप फिर मॉनिटर को ऑफ कीजिए, ये मेनू बटन और पावर बटन को एक साथ प्रेस कीजिए। देखिए, अब OSD लॉक लग गया है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोग अपने मॉनिटर में OSD लॉक को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों, अलग अलग मॉनिटर के ब्रांड्स में अलग अलग ये बटन होता है। किसी में मेनू वर्क काम करता है, किसी में लेफ्ट एरो, किसी में राइट एरो। तो आप लोग एक एक करके इसको यूज कर लीजिएगा। बटन इन तीनों में से कोई एक काम करेगा, लेकिन साथ में पावर बटन को यूज करना है। जैसे कि हो सकता है अगर आपका LG का मॉनिटर है, तो आपको राइट एरो और पावर बटन एक बार प्रेस करना पड़े। सैमसंग का है तो दूसरा, लेकिन यही तीन बटन में से कोई एक रहता है और साथ में पावर बटन को प्रेस करना रहता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने मॉनिटर से OSD लॉक को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।